भोपाल में स्पेशल डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा का हैरान करने वाला वीडियो वायरल, पत्नी को बेरहमी से पीटते कैमरे में कैद। आज तक की खबर के बाद पद से हटाए गए शर्मा। पुरुषोत्तम शर्मा पर पत्नी ने लगाया किसी महिला से अवैध संबंध का आरोप और इसी बात पर दोनों में हुआ था झगड़ा। पूर्व स्पेशल डीजीपी शर्मा पूरे झगड़े के दौरान पत्नी पर लगाते दिखे, कैदी से हमले का आरोप, बोले मैं कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार। पूर्व स्पेशल डीजीपी के बेटे ने मारपीट का वीडियो डीजीपी को भेजा, कार्रवाई की मांग की। होम मिनिस्टर बोले शिकायत आई तो होगी जांच। कोई शिकायत अगर लिखित में आती है तो देखा और पढ़ा मैंने भी है, कुछ आधिकारिक बात आती है तो देखता हूँ, कोई शिकायत अगर लिखित में आती है तो बताता हूँ। पूर्व स्पेशल डीजीपी शर्मा का एक महिला के साथ वीडियो आया सामने, पत्नी ने घर पर अचानक पहुंचकर पति को महिला के साथ पकड़ा था। इस दौरान भी पति पत्नी के बीच बहस हुई थी, अवैध संबंधों को लेकर पत्नी थी खफा। विवाद के बाद स्पेशल डीजीपी पुरुषोत्तम ने दी सफाई। मेरे पूरे घर में उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, ठीक है। जहाँ तक मारपीट का उनका संबंध है, एक सेल्फ डिफेंस भी होता है, लेकिन मैं पूरी स्वतंत्रता देता हूँ उनको और उन बेटे को। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, कंगना के वकील ने बीएमसी की कार्रवाई को बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। आज फिर जज ने बीएमसी पर कसा तंज, कहा कई मामलों में डेमोलिशन का आदेश दिया पर अमल नहीं हुआ, इस मामले में ही दिखाई तेजी। कल एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना को दी गई अब तक की जांच की रिपोर्ट। अस्थाना ने कहा ऐसा ना लगे कि किसी को टारगेट किया गया। मीटिंग में अब तक जब्त किए गए ड्रग्स और पेडलर्स के बयानों पर भी हुई बातचीत, ठोस सबूत होने पर ही समन पर जोर। एनसीबी के डीजी ने कहा ज्यादा ध्यान ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने में हो, किंग पिन पर कसा जा शिकंजा। करण जौहर के पूर्व स्टाफ क्षितिज प्रसाद की शिकायत से उठा था विवाद, क्षितिज के वकील ने कहा था करण जौहर को फंसाने के लिए क्षितिज पर दबाव। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर की बड़ी मुश्किल, 2019 में उनकी पार्टी के वायरल वीडियो को फॉरेंसिक टीम ने पाया सच, वीडियो नहीं है डॉक्टर। क्षितिज प्रसाद पर कसा शिकंजा, एनसीबी का कसा शिकंजा, 3 अक्टूबर तक जांच एजेंसी की हिरासत में रहेंगे धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे डायरेक्टर। क्षितिज ने मैजिस्ट्रेट से की एनसीबी ऑफिसर समीर वारनीहेड़े की शिकायत, हिरासत के दौरान थर्ड डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाया। क्षितिज के वकील सतीश मानचंद के मुताबिक एनसीबी ने क्षितिज से पूछताछ में करण जौहर के खिलाफ बयान देने का बना दबाव। क्षितिज का आरोप एनसीबी ने दिया लालच, करण जौहर, सुमन मिश्रा, राखी, अपूर्वा, नीरज या राहुल में से किसी को भी ड्रग्स के झूठे केस में फंसाने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने क्षितिज और वकील सतीश मानचंदे के आरोपों को किया खारिज, कहा बतौर प्रोफेशनल एजेंसी हम ऐसी चीजों में विश्वास नहीं रखते। कर्नाटक के कोडगु में किसान कानून पर प्रदर्शन, कांग्रेस जेडीएस के कार्यकर्ता हिरासत में। लखनऊ में भी किसान कानून का जोरदार विरोध, शिवपाल यादव का पार्टी ने किया प्रदर्शन। प्रगतिशील सपा के कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज, काफी देर तक होता रहा हंगामा। लखनऊ में कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस के 30 वर्कर्स हिरासत में, राजभवन जाने की कर रहे थे कोशिश। गांधीनगर में गुजरात कांग्रेस का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर से राजभवन तक रैली निकाली। 3 किसान कानूनों के विरोध में दिल्ली में राजपथ पर ट्रैक्टर को लगाई गई आग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से जताया विरोध। ट्रक में लादकर ट्रैक्टर को लाया गया था और उसके बाद की गई आगजनी, ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रदर्शनकारियों ने सरदार भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाए, दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। पंजाब यूथ कांग्रेस को प्रदर्शन की थी खबर, फेसबुक पेज पर ट्रैक्टर जलाने को दिखाया लाइव। दिल्ली में भी किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। पंजाब में भी किसान बिल का जोरदार विरोध, धरने पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हुए शामिल। हुबली में खेती कानून के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, दुकानदारों को खुद देकर मांगा समर्थन। खेती कानून के खिलाफ आज कर्नाटक बंद का ऐलान, हासन में हिमवती मूर्ति के पास प्रदर्शन। कर्नाटक के बीडर और यादगीर जैसे इलाकों में प्रदर्शन, खेती कानून को बताया किसानों के खिलाफ। बैंगलोर मैसूर हाईवे को भी रोकने की कोशिश की गई, आज कर्नाटक के लोगों को हो रही है आवाजाही में दिक्कत। बिहार में एनडीए के घटक दलों में घमासान, सीएम नीतीश कुमार इस हफ्ते आएंगे दिल्ली, बात नहीं बनी तो 2 दिन में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान करेगी एलजेपी। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी से सीटों के मुद्दे पर नहीं बन पा रही बात, एलजेपी चाहती है बैलेंस सीटें। बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का जोर, केंद्र बिहार भेजेगा सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के 300 टुकड़े।
बिहार में चुनाव के ऐलान के बाद हिंसा भी शुरू, महाराजगंज में राजद नेता का कत्ल। मुंबई में भी जमा, बिहार में हो रहे विधानसभा चुनावों का रंग, आज से की चौपाल में, मुंबई में काबा की रही धूम। बिहार में काबा, बंबई में सपना के भंडार भरल बा, बेटा बंबई में सब कुछ बा, बिहार में काबा। मुंगेर जेल में 3 घंटे छापामारी, कैनी चिलम के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद। बिहार चुनाव के मद्देनजर जेल में पड़ा छापा, छापामारी में शहर के कई थानों की पुलिस शामिल, हर वार्ड की हुई जांच। कैमूर उपचुनाव में आचार संहिता तोड़ने के आरोप में केस दर्ज, जेडीयू राजद और बीएसपी पर आरोप। अकाली दल के एनडीए छोड़ने पर सामना में मोदी सरकार पर निशाना, कहा ताज्जुब है उनको रोकने की कोशिश नहीं की। देश में कोरोना का कहर जारी, लेकिन रिकवरी रेट बेहतर, अब तक 50 लोग कोरोना से हुए ठीक। देश में कोरोना के कुल मामलों की तादाद 7 लाख के पार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी, 11 दिनों के भीतर 10 लाख लोग ठीक हुए। सरकार का दावा, मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी और डॉक्टरों समेत हेल्थ स्टाफ के समर्पण से हुआ चमत्कार। मेरठ में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर एक्शन, कई लोगों के काटे गए चालान। राजस्थान में पंचायत चुनाव शुरू, अलवर में कड़ी सुरक्षा में मतदान की शुरुआत। दौसा में भी पंचायत चुनाव का जोश, मतदान केंद्रों के बाहर लगी वोटरों की कतारें। 12 में भी 16 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग शुरू, 2 गांव के लोगों ने किया बहिष्कार। सीकर में भी पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह, 26 ग्राम पंचायतों के लोग चुनेंगे गांव की सरकार। पंचायत चुनाव को लेकर पूरी एहतियात, राजस्थान के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लखीमपुर खीरी में भी सड़क पर पलटा ट्रक, लगा 10 किलोमीटर का जाम। इंदौर में टूटे पुल से नदी में गिरी बाइक, एक की मौत, 4 साल की मासूम बच्ची बची जान। केरल में पलरुवोत्तम फ्लाईओवर को गिराने का काम शुरू, ढांचे में खामियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया था गिराने का आदेश। बिजनौर में अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, कई तमंचे बरामद। लखीमपुर में शराब के नशे में धुत युवक ने अपनी नई बाइक को फूंका, पेट्रोल डालकर आग लगाई। अभिनेत्री पाल घोष वर्सेस निर्देशक अनुराग कश्यप के केस में नया मोड़, वर्सोवा पुलिस के ढीले रवैये से खफा है पाल घोष, धरने में और बैठने की धमकी दी। अभिनेत्री पाल घोष ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर लगाया है बलात्कार का आरोप, मुंबई के वर्सोवा थाने में दर्ज कराई है शिकायत। एफआईआर दर्ज कराने के 6 दिन बाद भी आरोपी अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा है पाल, साल 2013 का मामला। पाल घोष का एक और आरोप का, अनुराग कश्यप और उनके समर्थकों ने केस दर्ज कराने पर धमकाया, अनुराग कश्यप ने पाल घोष के आरोपों को सिरे से खारिज किया, कहा झूठे आरोप। शिवपुरी में बिना इजाजत आधी रात को लगाई अंबेडकर की मूर्ति, पुलिस ने जांच शुरू की। मिर्जापुर में फैक्ट्री के टेक्निकल डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंचे वाराणसी जोन के एजी। मेरठ में ससुराल पहुंचकर युवक ने खुद को लगाई आग, पत्नी से चल रहा था विवाद, 4 महीने पहले हुई थी शादी, पत्नी ने लगाया था मारपीट का आरोप। कोयम्बटूर में दशहरे से पहले कोलूडो फेस्टिवल शुरू, प्रदर्शनी में शामिल 10,000 से ज्यादा गाड़ियां, कोरोना की वजह से फेस्टिवल का रंग कुछ फीका। सिद्धार्थनगर में 2 दिन की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, गांव का रास्ता पानी में डूबा, खेत भी पानी से लबालब। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में घिरा मंदिर और हाई स्कूल, सड़कों पर नजर आया सैलाब जैसा मंजर। नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से खोला गया वाल्मीकि नगर बैराज, मोतिहारी के सैकड़ों गांव में घुसा पानी। बिहार के वैशाली में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पुलिस थानों और अस्पतालों में घुसा पानी, भारी बारिश से पानी पानी हुआ छपरा, पुलिस कर्मियों के बैरक में भरा पानी, जवानों की बड़ी मुश्किल। हथियार में लगातार हो रही बारिश ने ली एक शख्स की जान, पैर फिसलने से हुई मौत। अरुणाचल के पूर्वी सियांग में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में डूब गई कई सड़कें। असम में फिर से मंडरा है बाढ़ का संकट, 5 जिलों में करीब 3 लाख लोग प्रभावित, उफान पर हैं सूबे की नदियां। असम के नौगांव में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, करीब 2.25 लाख लोग प्रभावित। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर सबसे लंबा स्टील ब्रिज बना रहा है बीआरओ, अगले साल तक तैयार होने का अनुमान। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को हराया, आखिरी ओवर में 4 विकेट से 10 की जीत। राजस्थान के बल्लेबाज संजू सैमसन और थेवतिया के सैलाब में बहा पंजाब, बेकार गया मयंक अग्रवाल का शतक। राजस्थान ने 3 गेंद शेष रहते हासिल किया 224 रनों का लक्ष्य। संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर बनाए नाबाद 85 रन, 4 चौके 7 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच।
विद्या ने 21 गेंदों में 53 रन की शानदार पारी खेली, जड़े 7 छक्के। स्मिथ ने भी जड़ा अर्धशतक, 27 गेंदों में बनाया 50 रन। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 223 रन। ओपनर्स ने मचाया धमाल, मयंक अग्रवाल ने जड़ा शतक। मयंक अग्रवाल महज 50 गेंदों में 106 रनों की पारी खेली, 10 चौके 7 छक्के जड़े। ओपनर केएल राहुल ने 54 गेंदों में बनाया 69 रन, 7 चौके 1 छक्का। पंजाब से बाजी जीत कर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा राजस्थान रॉयल्स, पहले पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स का कब्जा। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा ये मैच। इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन, यरूशलेम की सड़कों पर जमकर बवाल। नस्लवाद के खिलाफ अमेरिका में जारी विरोध प्रदर्शन, पोर्टलैंड में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जर्मनी में बड़ा विरोध प्रदर्शन, कोयले के इस्तेमाल पर रोक की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दुनिया भर में 10 लाख तक पहुंची कोरोना से मरने वालों की संख्या, 3,31,00,000 से ज्यादा है मरीजों की तादाद। अमेरिका में 72,88,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 2,09,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना महामारी की वापसी के बाद ब्रिटेन में मैनचेस्टर में लगाया गया कर्फ्यू, यात्राओं पर लगाए गए कई तरह के प्रतिबंध। कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के विरोध में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन, बोरिस जॉनसन सरकार पर नाकाम रहने का आरोप। संयुक्त राष्ट्र में इंग्लैंड ने की कोरोना वैक्सीन के लिए भारत की कोशिशों की तारीफ, कहा बेहतरीन काम कर रहे वैज्ञानिक। मध्य पूर्व में तेजी से बदलते हालात के बीच ईरान पहुंचे इराक के विदेश मंत्री, राष्ट्रपति हसन रूहानी से की मुलाकात। दक्षिण कोरिया में सड़क पर ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है कोरोना टेस्ट, राजधानी सियोल में टेस्ट करवाने वालों की लंबी कतारें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।